गुड इवनिंग, आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। ठीक है, तो 53 तो आज से हम लोग पैराबोला करेंगे, है ना? तो पैराबोला भूल चुके हो या फिर याद है कुछ? बताओ। हाँ, याद सर बचा या ज्यादा पूरा कुछ भूल याद चुके हो? नहीं, भूल चुके सर। आज 17 बताओ। यस, कुछ याद है या भूल चुके हो? भूल गए। हम लोग की आवाज नहीं आ रही है। लास्ट टाइम पैरा बोला तुम लोग पढ़े थे तीनों। यस सर। सारी टॉपिक्स अगर आप भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो पैराबोला सर्कल से थोड़ा सा फास्ट होगा, ओके? यस सर। पैराबोला एकदम की पॉइंट्स को मैं याद करवाता जाता हूँ, उससे क्या होगा, हम लोग का काम निकलता जाएगा। सबसे पहले पैराबोला की डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग ये समझते हैं, ये एक फिक्स्ड लाइन होती है ना, और एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग अल्फा कोमा बीटा लेंगे, और इस फिक्स्ड लाइन को एलएक्स एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है? इनका नाम भी दिया गया है। फिक्स लाइन का नाम क्या है? फिक्स डायरेक्ट्रिक्स। और फिक्स पॉइंट का नाम क्या है? फोकस। मूविंग पॉइंट को हम लोग पी नाम देंगे। ये आपका है मूविंग पॉइंट। कंडीशन क्या पैराबोला बनाने की? बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं डायरेक्ट्रिक्स का, और बी से फोकस की डिस्टेंस लेते हैं। इफ पी एस बाय पी एम इक्वल टू पी एस, और पी पी एस बाय पी एम ये रेशियो 1 के इक्वल हो जाए, जहां पे इस रेशियो का नाम क्या है? इसेंट्रिसिटी देते हैं ना, इसेंट्रिसिटी। ये इसेंट्रिसिटी कहा जाता है। मतलब पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी 1 होता है ना। इफ पी एम बराबर पी एस और पी एस बाई पी एम इक्वल टू 1, इसेंट्रिसिटी के टर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, और इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर हो जाए, देन लोकस इज मिले पैराबोला। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना चाहिए हम लोगों को कि ये एज जो होता है ये डायरेक्ट्रिक्स पे लाई नहीं करना चाहिए,
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है यार। नोट एस विच इज फोकस कैनोट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, और इस केस में हमारा पैराबोला का इक्वेशन कैसा दिखाई पड़ेगा? अगर इक्वेशन वाइज हम देखते हैं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला बेसिक फॉर्मेट पे क्या हो जाएगा, एच कॉमा के का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये टू पॉइंट डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे, ये हो जाएगा एच माइनस अल्फा के माइनस बीटा होल डिवाइडेड बाय मॉडुलस एच एल या एल एच एम के और प्लस एम, और भी कुछ होता है? डिवाइड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये क्वांटिटी कितने के बराबर होती है? वन के बराबर होती है, और ये पूरे डिनोमिनेटर को आप आर एच एस में ले जा सकते हैं, तो ये इक्वेशन हो गई रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर टाइम्स रूट ओवर एच माइनस अल्फा के माइनस बीटा इक्वल टू एल एच एम के प्लस एम का मॉडुलस, ठीक है, आप इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं सर। हाँ बोलो सर, आपने जो नोट लिखवाया है वो मतलब वैसा होगा तो क्या होगा? आवाज कट रही है, फिर से बोलो। सर आपने नोट लिखवाया है ना? हाँ सर, तो वैसा होगा तो क्या होगा? हाँ वैसा होगा तो क्या होगा, नाइस क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ तक सब लोग समझ चुके हैं, अब ऐसा होगा तब क्या होगा, तो नोट सेक्शन में चलते हैं हम लोग। नोट when S lies on the directrix, तो देखते हैं इसको ट्राई करके, है ना, हम एक directrix बनाएंगे उस पर S दिखाएंगे। मान लो कि यही आपका एस पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और कोई भी पी पॉइंट आप ज़ूम करोगे तो या तो इस लाइन पर होगा, है ना, नहीं तो बाहर होगा। इस लाइन पर हो सकता है क्या? इस लाइन पे तो नहीं होगा, जो पॉइंट हमको लेना बाहर हम ले सकते हैं। सो लेट अस से कि कोई एक पी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते कि एक पी पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो और फोकस से डिस्टेंस देखो, क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं? नो सर, कभी नहीं हो सकते। ये एक ही केस में हो सकता है जब पी जो है ये परपेंडिकुलर लाइन पर हो। देखिए यहां पे आपका ट्रायंगल पी एम एस, ये ट्रायंगल क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना? यस सर, इज राइट ट्रायंगल। इसका मतलब हाइपोटेनियस क्या होगा, डेफिनेटली पीएम से बड़ा होगा, तो पीएस बाय पीएम कभी भी वन नहीं होगा,
we cannot get parabola in this case. ठीक है, तो नो पैराबोला एज इट इज हम लोग बोल सकते हैं कि इस केस में पैराबोला तो कभी नहीं मिलेगा. अब क्या मिलेगा? पैराबोला नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी कॉनिक्स मिल सकते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ पैराबोला नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन मिलेगा क्या? अगर हम पीएमएस पीएम बराबर पीएस करते हैं, है ना, इफ पीएम बराबर पीएस करते हैं दैट मीन्स P must lie on bisector or bisector बोल रहा हूँ perpendicular line through S perpendicular to SM. मतलब SM के perpendicular line जो S से पास करती है, मतलब कुछ ये line. इस केस में मेरा लोकस क्या मिल गया? लाइन मिल गया ना? यस सर. अब देखो इस केस में अगर लोकस मेरा पीएम बराबर पीएस हम कर रहे हैं और वो लाइन अगर मिल रहा है तो ये रूट हटाओगे तो स्क्वायर की क्वांटिटी आएगी ना. फिर भी जरा समझो आपका अल्फा बीटा है ना, एच कॉमा के है, हम लोग सबको लिखते हैं. मान लो कि ये होल्ड कर रहा है किसी तरीके से, तो हम लोग लिख रहे हैं एच पी एम. पी एम क्या हो जाएगा? एच एल प्लस एम के प्लस एन मॉडुलस और आर एच एस में क्या मिलेगा? रूट ओवर एच माइनस अल्फा और के माइनस बीटा. ये जो मिल रहा हमको ये क्वाड्रेटिक कर्व मिलेगा या लिनियर कर्व मिलेगा? ऑन सॉल्विंग हम लोग को ये मिल जाएगा क्वाड्रेटिक कर्व. ठीक है, आप इसको एच को एक्स बना लें, सो लिखेंगे एल एक्स, ये लिखेंगे हम लोग एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो गया एल स्क्वायर x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर. ऐसा है सर? ये नहीं समझा. नहीं करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा सर? ये नहीं समझा. l स्क्वायर m स्क्वायर और यहाँ पर होल स्क्वायर. ठीक तो है नहीं सर, वो पहले से नहीं समझा ये मेथड. इसको सेटिस्फाई करता है ज्योमेट्रिकली. मैं बता रहा हूं कि ये जो है तुम्हारा एक लाइन होगा परपेंडिकुलर, तभी ना जैसे पी यहाँ पे होल्ड करेगा तो परपेंडिकुलर भी उसी पॉइंट पर है और एस भी उसी पॉइंट पर. तो मैं इसको सिंप्लीफाई, देखिए फिर से सुनो. देखो जब एस मेरा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करेगा, मतलब सो कॉल्ड फिक्स्ड लाइन पे लाई करेगा फोकस, तो इस केस में अगर हम लोग इस लाइन पर पॉइंट ना ले तो कहीं बाहर लेंगे, और वैसे भी इस लाइन पर ले नहीं सकते. डायरेक्ट्रिक्स पर पॉइंट अगर लोगे तो पीएम बराबर पीएम 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 बराबर पीएस कभी नहीं कर सकते आप. ठीक है, सो पॉइंट जो है डायरेक्ट्रिक्स पर कभी नहीं हो सकता, तो पॉइंट कहीं एक्सटर्नल रीजन में होगा. एक्सटर्नल रीजन में होगा तो इसका मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगा पीएमएस जो कि राइट ट्रायंगल है, और इस केस में पीएस जो है पीएम से बड़ा होगा, राइट? तो पीएस बाय पीएम ग्रेटर देन वन, इसलिए इसमें पैराबोला तो नहीं मिलेगा. ये पैराबोला के केस में हमको क्या चाहिए? पीएस इक्वल टू पीएम चाहिए. ठीक, अगर हम केस लेते हैं कि पी एस बराबर पी एम हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि पी एम इक्वल टू पी एस हो जाए, तो P का लोकेशन कहां पर होगा? ये S X लाइन पर होगा, इसको नाम में दे रहा हूं S X.
इस लाइन पर होगा पी। P must lie on the line through S perpendicular to SM. That is A6. है ना? ये बात समझ में आई? Yes sir. तो अब हम इक्वेशन जो मिल रहा है वो इसके अलावा तो कुछ और नहीं होगा, है ना? यही लाइन बनेगी, क्योंकि इसके अलावा ज्योमेट्रिकली कोई पॉइंट सेंस नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन को जब हम लोग सिंप्लीफाई आउट करेंगे तो यहाँ पे A6 जो लाइन है ना, इसके इक्वेशन का स्क्वायर मिल जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। A6 का स्क्वायर मिल जाएगा, समझे? A6 लाइन मुझे लिखना चाहिए, लाइन A6 का स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ लाइंस है ना। अगर हम AX प्लस BY प्लस C का स्क्वायर इक्वल टू 0 में करता हूं तो किसका इक्वेशन है? पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है ना। यस सर, पेयर ऑफ लाइंस। मैथमेटिकली वो सिंगल लाइन होगा, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये पेयर ऑफ लाइन, मैथमेटिकल बोलो, फिजिकली वो सिंगल लाइन होगा, मैथमेटिकली पेयर ऑफ लाइंस हो जाएगा। तो हम लोग इस केस में बोल रहे हैं कि लोकस क्या हो रहा है? पेयर ऑफ लाइंस हो रहा है। लोकस इज पेयर ऑफ आइडेंटिकल लाइंस। आइडेंटिकल लाइंस है ना, बोथ विच पासेस थ्रू इस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। और यही सब कुछ कारण है कि कई बार हम लोग ना ये लाइंस होते हैं, पेयर ऑफ लाइंस जो होते हैं ना, उनको हम लोग डीजेनरेट कोनिक कहते हैं। पेयर ऑफ लाइंस क्या है? डीजेनरेट कोनिक हो गया। लेकिन ये सब सिलेबस में नहीं है, ठीक है? पेयर ऑफ लाइंस आर समटाइम्स सेड डीजेनरेट कोनिक। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि अगर मान जाए कि P दिया हुआ है और आपका ये नंबर भी दिया हुआ, S भी दिया हुआ और लोकस पूछेगा, तो आप डायरेक्टली SX लिख देना, ठीक है? SX का होल स्क्वायर। अब इसमें आता है कि अगर मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है तब क्या क्या चीजें हैं। मुझे लगता है आप लोग को काफी अच्छा याद है पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला पे चलते हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे मैं a का ग्रेटर देन 0 वैल्यू ले रहा हूं। तो इस केस में है ना, ग्राफ कैसा बनता था? इस केस में आपका ग्राफ जो बनेगा है ना, ये आपका ग्राफ बनता था
और यहाँ पे फोकस किस पॉइंट पे होता था, अगर ये x इक्वल टू जीरो लाइन है, ये y इक्वल टू जीरो लाइन है, तो फोकस कहाँ पे होता था बताओ? फोकस डायरेक्ट्रिक्स, इसके बाद आपका आता था नया नोमेनक्लेचर, लैटस रेक्टम, इसके बाद टेंजेंट वर्टेक्स हो गया पैराबोला का, टेंजेंट एट वर्टेक्स, एक्सिस, है ना, इतनी चीजें हम लोग डिस्कस करते थे। बहुत बढ़िया शोध। यहाँ पे फोकस हम लोग को स्टैंडर्ड लेकर के चलना होता था, फोकस हम लोग लेते थे ए कॉमा जीरो पे, और डायरेक्ट्रिक्स लेते थे एक्स प्लस ए इक्वल समथिंग लाइक ऐसा। जितना एक्स इक्वल टू जीरो लाइन से पीछे डायरेक्ट्रिक्स है, उतने पे ही आपका फोकस होता था, है ना, ये आपका फोकस होता था ए कॉमा जीरो, और ये माइनस ए कॉमा जीरो से पास करने वाला लाइन, यही इसी लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, और इसी लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद हम लोग एक्सिस को डिफाइन किए थे ना, आप लोग नोट्स अगर किए होंगे अपने अपने नोटबुक पर तो आप उसको भी रिफर कर सकते हो, ताकि उससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन मांगे कहीं पर किसी पॉइंट में समझ में नहीं आया है तो वो भी क्लियर कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या डिफाइन किया था, एक्सिस ऑफ द कोनिक डिफाइन किया था। एक्सिस क्या था, लाइन थ्रू फोकस परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, लाइन थ्रू एस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, इसी लाइन को हम लोग एक्सिस कहते थे। यहां पे वाई इक्वल टू जीरो जो है वो एक्सिस का काम करता था, और ये मिरर का भी काम करता है। ये एक्सिस जो होता है पैराबोला के केस में लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। एक्सिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि पैराबोला का दो आर्म है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्म है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्म है। ये नीचे वाले आर्म का अगर हम लोग इमेज लेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले आर्म पे एकदम कोइंसाइड कर जाएगा, और वी कैन से दैट द टू आर्म्स, है ना, द टू आर्म्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, समथिंग लाइक ऐसा आप समझ सकते हो दूसरे लैंग्वेज में, कि यहाँ पे अगर कोई पॉइंट पी है जिसके पास कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, ठीक है, तो अगर हम लोग एक्सिस में इमेज लेंगे, अगर पी का हम लोग एक्सिस में इमेज लेंगे तो यहाँ पे एक और पॉइंट हमको मिल जाएगा पी डैश, जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा माइनस बीटा होगा। मतलब पी का पैराबोला के किसी पॉइंट का अगर हम एक्सिस में इमेज लेंगे तो वो इमेज जो है पैराबोला पे ही लाई करेगा, इमेज ऑफ एनी पॉइंट ऑन ऑफ पैराबोला इन एक्सिस
lies on the parabola. ये है लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब, ठीक है। फंक्शन में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है इवन फंक्शन में, तो इमेज इन वाई एक्सिस जो होता है ना, वो फंक्शन पे ही लाई करता है। जैसे cos x हो गया, तो इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं इस तरह से, मतलब जैसा राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में। तो ये जो लाइन होता है ये मिरर लाइन होता है ना, ये आप सिमेट्री लाइन बोलते हो, व्हाटएवर आप जो भी इसको कैलकुलस में कहते हो, ठीक है। तो इस तरह से पैराबोला में आपका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, एक्सिस हो गया। पैराबोला में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, सिर्फ इसी लाइन के अबाउट ना पैराबोला सिमेट्रिक होता है। इज द ओनली लाइन ऑफ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, एक्सिस इज द ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री। में लिख नहीं पाए हुए ना, उसको आप लोग समझ सकते हैं इस डायग्राम से। तो ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन। उसके बाद टेंजेंट एट द वर्टेक्स एंड वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस, पॉइंट ऑफ intersection of parabola and axis, और इस point पे जो भी tangent है उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, tangent at the vertex हो गया। ये हो गया TV आपका, ठीक है। इसका equation आप देख सकते हो, आप x equal to 0 हो गया। Now what is lattice rectum, किसी बच्चे को याद है lattice rectum? लैटस रेक्टम एक कॉर्ड होता पैराबोला का, जो कि फोकस से पास करता है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये एल एस एल डैश, जहां पे हम समझ सकते हैं एल एल डैश जो है परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। तो ये लैटस रेक्टम होता है। हम लोग सबके कोऑर्डिनेट्स और लेंथ वगैरह भी लिखेंगे, बट फिलहाल हम लोग इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक और टर्म आप लोग को डबल ऑर्डिनेट बहुत बाद में आया था ना, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है ना, सेट ऑफ कॉर्ड्स परपेंडिकुलर टू, वैसे हम लोग परपेंडिकुलर टू ही लेते हैं है ना, या सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स सबसे बढ़िया डेफिनेशन। ये जनरल है, लास्ट टाइम हम लोग इसका पर्टिकुलर केस देखे थे, हम लोग ऐसे लिखे थे, हम लोग क्या लिखे थे, अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस है ना, इसको हमने डबल कॉर्ड कहा था। लेकिन क्या होता है कि वैसे सेट ऑफ कॉर्ड्स जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं उन सबको डबल कोऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट कहते हैं। इसका दूसरा जो जनरल वर्जन है वो सेट ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स है, और ये परपेंडिकुलर हो या ना हो सब चलता है इसका, ठीक है। लेकिन जितना हम लोग अभी अपने मॉड्यूल में देखेंगे तो वो इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ना क्वेश्चन देता है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो
अब हम लोग इस पैराबोला के लिए काम कर सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स याद है, फोकस याद है, हाँ एक्सिस क्या होगा इसका, y इक्वल टू जीरो हो गया, उसके बाद वर्टेक्स 0,0 हो गया, है ना, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ, यही लेंथ यहां से लेकर के पूरा यहां तक, इसको LSL को लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कहते हैं, और ये 4a के बराबर होता है। और एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर मैं बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a, ±2, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर जा रहा है ना, x इक्वल टू a तो रहेगा ही, और कर्व में a रखने के बाद हमको l का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a, 2a, l डैश मिल जाएगा a, -2a। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला आपको याद रखना होता कंप्लीटली, है ना, हर तरीके से हम लोग को याद रखना होता है। और इसी में वर्जन है माइनस करके प्लस करके, तीन वर्जन हो, तो तीनों वर्जन को हम लोग देखेंगे। वर्जन नंबर टू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, जहां पर मैं a को ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी स्टिल कंसीडर कर रहा हूं, है ना, इस केस में ग्राफ कैसा बनेगा, लेफ्टवर्ड ओपनिंग, ठीक है, इस केस में लेफ्टवर्ड ओपनिंग ग्राफ होता है, और फोकस कहां पे हो जाएगा, -a,0, और डायरेक्ट्रिक्स x-a = 0, यस डायरेक्ट्रिक्स इधर हो जाएगा ना, यस सर, x-a = 0। उसके बाद आपका एक्सिस क्या हो जाएगा, y = 0, ये y = 0, ये एक्सिस हो गया ना, y = 0 लाइन, ये एक्सिस हो गया। टेंजेंट एट वर्टेक्स या वर्टेक्स, वर्टेक्स बता दो, 0,0, टेंजेंट एट वर्टेक्स टीवी x = 0, x = 0 लाइन, है ना, तो ये एकदम बढ़िया याद है, ये लेफ्टवर्ड ओपनिंग होता है, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब कुछ याद है अभी तक, ये अति उत्तम बात है। इसका मतलब सी पार्ट हम लोग यहीं पे कर सकते हैं छोटा सा। फिर है आपका x² = 4ay, और a हम लोग फिर से क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 0 रखेंगे। इस दफा पैराबोला किस स्ट्रक्चर का होगा, अपवर्ड ओपनिंग यू टाइप का, हाँ तो ये हमारा पैराबोला हो जाएगा, और इस दफा फोकस मेरा कहां पर हो गया, 0,a पर, डायरेक्ट्रिक्स मेरा कहां पे हो गया, बताओ इसका इक्वेशन, y + a = 0, माइनस है ना, ये y = 0 के नीचे है, तो y = -a, या फिर y + a = 0, y + a आएगा ना सर, अगेन, और एल डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, -2a,
ये इधर कितना डिस्टेंस जा रहा है, माइनस ए आएगा ना सर, ये हो जाएगा इसका ए कॉमा माइनस टू ए, उल्टा बोलो माइनस टू ए कॉमा ए, माइनस टू ए कॉमा यस सर, यस सर, माइनस टू ए हो जाएगा ना, और इस तरह से इसका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब मैं चौथा नंबर पैराबोला नहीं कर रहा हूं, अब मैं शिफ्टेड में चलता हूं। शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड पैराबोला में सबसे पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई माइनस बीटा, वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू फोर ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। तो फंक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, उस तरीके से हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर a मेरा ग्रेटर देन जीरो है, अगर a मेरा ग्रेटर देन जीरो है तो इसका शिफ्टिंग कहां पर होगा, इसका पेरेंट कर्व क्या होगा, अगर इसकी पेरेंट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पेरेंटेड फ्रॉम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसका कर्व यहां से पास करता है तो ओरिजिन इसमें शिफ्ट कर रहा है, तो ओरिजिन कहां पर आ जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा पर आ जाएगा और यहां से ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, जो ओरिजिन होना चाहिए था वो ये पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा। अब इस पॉइंट को जैसे ही हम पता कर लिए हैं तो जो काम पहले ओरिजिन करता था यहाँ पे वही काम ये पॉइंट कर रहा, सो मेरा लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे चला गया, वाई इक्वल टू बीटा, ये मेरा क्या हो जाएगा बीटा, एक्सिस ओरिजिन, एक्सिस डायरेक्ट एक्सिस चला जाएगा, पीछे चला जाएगा ना, यस सर, अल्फा माइनस ए, तो लिखेंगे एक्स इक्वल टू अल्फा माइनस ए, ये डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस, ए फोकस कहां पे चला जाएगा, ए डिस्टेंस आगे ना, अल्फा प्लस ए, बिल्कुल अल्फा प्लस ए कॉमा बीटा, तो ये हो गया मेरा फोकस, सब कुछ फाइंड कर लिया यहाँ पर, एक्सिस भी हो गया, टेंजेंट एंड वर्टेक्स बहुत बड़ी चीज नहीं है, x इक्वल टू अल्फा इज द टेंजेंट एंड वर्टेक्स। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे डायग्राम क्लियर रहेगा तो सब कुछ मैं कर सकता हूँ, है ना। इस केस में लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, 4a, 4a के इक्वल होगा, तो पैराबोला सब कुछ याद है आपको, है ना। Yes, sir. Good. तो ये पैराबोला हो गया। अब इसके केस में अब मान लीजिए कि मैं कुछ भी कर्व दूंगा तो आप लोग काम कर ही लोगे, है ना, इसलिए वो सब प्रैक्टिस तुम लोग कर लेना। हम लोग अब चलते हैं पैराबोला में थोड़ा सा आगे, इसके पैरामेट्रिक पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। सर हाँ बोलो, आपने इसके पहले जब पैराबोला पढ़ाया था तब के रिकॉर्डिंग है ना ग्रुप पर, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास वो नोट्स नहीं ना है, मैं तुमको रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके देखो तुम लोगों को फिर इसके बाद में क्या पढ़ाया था, वाई इक्वल टू एम एक्स है ना का इंटरसेक्शन इंट्रैक्शन विथ हेडिंग कुछ अलग हो सकता है, इंट्रैक्शन विथ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये पूरा डेरिवेशन है। मैंने बताया था कि ये जो पैराबोला हमारा होता है
हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ये देखे थे कि ये कोई भी पैराबोला है तो ये वाई एम स्लोप का जो लाइन है वो तीन तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है पैराबोला के साथ। एक तो बाहर बाहर पास कर जाएगा, दूसरा टेंजेंट बन जाएगा और तीसरा इंटरेक्ट कर जाएगा। सर। ये ए और बी इंटरसेक्शन हो गया, ये पी पॉइंट पे टेंजेंट हो गया और ये आउटसाइड हो गया ना। तो किस केस में क्या होगा, हमने क्या बोला था कि इसको पैराबोला के अंदर रख देंगे और इंटरसेक्शन ट्राई करेंगे, राइट। तो वो काम भी कर सकते हैं, वाई की जगह पर एम एक्स प्लस सी रख लिए और यहाँ पर फोर ए एक्स आ गया, क्वाड्रेटिक बन गया, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cm-4a टाइम्स x और प्लस c स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक का अगर दो रूट्स हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि ये ए बी वाला है लाइन, है ना। कंडीशन नंबर वन, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट अगर इसका ग्रेटर देन जीरो हुआ। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया क्या था, याद है कुछ है? यस सर, क्या आया था, 16a इन ब्रैकेट a-cm। a-cm, ऐसे यस सर, याद है ना। ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो हम लोग बोल रहे हैं कि दो डिस्टिंक्ट रूट होगा और इस केस में आपको क्या मिलेगा, ए बी लाइन मिलेगा। अगर डी इक्वल आइडेंटिकल रूट्स की कंडीशन बात करेंगे हम लोग, है ना, आइडेंटिकल रूट्स मतलब डी इक्वल टू जीरो रहा, डी इक्वल टू जीरो रहा है ना, तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, ए इक्वल टू सी एम मिलेगा और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई एम हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्या मिलता है हम लोग को, टेंजेंट एट पी मिलता है, टेंजेंट एट पी। और पी का कोऑर्डिनेट हमने क्या डिराइव किया था, पी का कोऑर्डिनेट जब हम लोग फाइंड करेंगे तो ये मिलता है मेरा ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम। कैसे मिलेगा पी का कोऑर्डिनेट, तो यहां पर आप देख लो कि एक पॉइंट पे टच करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट बराबर जीरो होगा तो सी की जगह पर क्या रखेंगे आप लोग, ए बाई एम। तो सी की जगह पर ए बाई एम रखो, देखो क्या मिल रहा है, ए बाई एम। तो सी एम बराबर कितना हुआ, ए ना, तो 2a-4a, ये हो गया आपका एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये माइनस टू ए एक्स और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो गया। अब वैसे भी कर सकते हो, ए की जगह पर सी एम रख लो, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए की जगह पर सी एम रखेंगे, टू सी एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एक्स का वैल्यू देखो, एम एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर बन गया, तो एक्स की आइडेंटिकल वैल्यू क्या आ गई, सी बाई एम आ गई। सी की जगह पे ए बाई एम रख दो, ए बाई एम स्क्वायर। सो ये ए बाई एम स्क्वायर आ गया एक्स कोऑर्डिनेट और टू ए बाई एम आ गया वाई कोऑर्डिनेट। तो हमने बोला था कि ये पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, पी ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम। ठीक है, और जब हमारा डी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, जब हमारा डी लेस देन जीरो हो जाएगा है ना, तो इस केस में क्या मिल रहा है, इमेजिनरी रूट मिल रहा,
और ये आउटसाइड लाइन बनेगा, लाइन इज आउटसाइड पैराबोला, लाइन इज नॉन इंटरैक्टिंग, लाइन इज नॉन इंटरैक्टिंग, ठीक है। तो अब देखो यहीं से हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट का हिंट लिए थे कि पॉइंट P जो है वो a बाई एम स्क्वायर है और 2a बाई एम है, तो ये m के किसी भी वैल्यू के लिए पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, m के किसी भी वैल्यू के लिए इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, तब तो हम लोग ये बोल सकते हैं। पहले यहां पे देखो नोट करो, फॉर m नॉट इक्वल टू जीरो a by m square comma 2a by m satisfies y square equal to 4x, is it true? क्या ऐसा है? Yes sir. तो yes sir. बोला कि तब तो a by m square comma 2a by m को general point बना सकते हैं ना, एनी पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स कैन बी टेकन एस ए बाई एम स्क्वायर कॉमा टू ए बाई एम, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू ए बाई एम स्क्वायर और वाई इक्वल टू टू ए बाई एम, तो एम क्या हो गया, पैरामीटर हो गया ना। Yes, sir. M is parameter. तब तो हम लोग है ना पैरामीटर, तब तो हम लोग M, ये जो पॉइंट लिए इसको पैरामेट्रिक पॉइंट कह सकते हैं, तो यहीं से पैरामेट्रिक पॉइंट का स्टार्टिंग हुआ। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑफ y square equal to 4x, a by m square comma a by 2a, लेकिन ये जो पॉइंट है मेरा ये ओरिजिन को रिप्रेजेंट नहीं करता, doesn't represent 0 comma 0 for any m, तो हमने क्या बोला कि 1 बाई एम को ना t रिप्लेस कर देंगे और डोमेन को हम लोग बढ़ा लेंगे, तो मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट क्या आ गया, 80 स्क्वायर कॉमा 280 आ गया, ये मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। मतलब t का वैल्यू जैसे जैसे मैं चेंज करूंगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, पॉइंट डिफरेंट होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डबल ऑर्डिनेट सबटेंड 90 डिग्री एट द ओरिजिन ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर a x, consider a positive, find its length, कैसे अप्रोच करेंगे ध्यान से सुनो। तो ये मेरा पैराबोला हो गया,
है ना। डबल ऑर्डिनेट किसको कहते हैं? तो एक ऐसा कॉर्ड जो परपेंडिकुलर किसके हो? एक्सिस के। एक्सिस। तो अब इस कॉर्ड पर जो पॉइंट है वो यहां पे 90 डिग्री बना रहा, यहां पे ये 90 डिग्री बना रहा, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे, कैसे अप्रोच लेंगे, मतलब इसका बहुत सारा अप्रोच है। हम लोग पी को एज्यूम करना पसंद कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जनरल पॉइंट जानते हैं, वी डू नॉट नो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सो वी विल टेक इट एज 80 स्क्वायर कॉमा 280। सो पी डैश का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स वाला सेम रहेगा, वाई वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ओरिजिन इसको मानते हैं ना, ये ओरिजिन है, क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। यस सर। ओपी स्क्वायर ओपी डैश स्क्वायर प्लस टीपी डैश है ना, और ऐसे ही कर सकते हैं कि हम इस पॉइंट बी से जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है एक्सिस का, इसको हम लोग कुछ मान ले, जी मान लेते हैं। जी की कोऑर्डिनेट क्या है? 80 स्क्वायर कॉमा 0 है। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये हाइट कितनी हो गई? 280। ये कितना हो गया? 80 स्क्वायर। और ये कितना हो गया इनका, हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को क्या कहता है, ओपी स्क्वायर इक्वल टू OG स्क्वायर प्लस PG स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना हो गया? A स्क्वायर T की पावर 4, 4 A स्क्वायर T स्क्वायर। और OG स्क्वायर कितना है देखो, 8 T की पावर 4 स्क्वायर A स्क्वायर T का पावर 4, और ये कितना हो जाएगा 4 a स्क्वायर t स्क्वायर। अरे ये तो बराबर 4 a स्क्वायर t स्क्वायर। तब हम कैसे पहुंचेंगे 90 डिग्री पर? हां सर। सर बट इसका मतलब कुछ और ना करना पड़ेगा? देखिए क्या दिक्कत है इसमें, सुनो ध्यान। ये ट्रायंगल हमेशा क्या है, राइट ट्रायंगल ही बनेगा। हम पी के अकॉर्डिंग इसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं, तो सारा लेंथ तो हम पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं, तो वो तो डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा। हम लोग को कुछ वैसा काम करना होगा जिससे हम ये श्योर हो जाए, कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा हो। ऐसा कोई हमने काम किया कि जिससे ये पता चले कि ये 90 डिग्री बन रहा हो? ऐसा तो कोई काम नहीं हमने किया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग फंस गए, है ना। देखिए अगर हम OP स्क्वायर प्लस OP डैश स्क्वायर प्लस PP डैश स्क्वायर करेंगे तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि ये 90 डिग्री बन रहा, तो हम वो काम कर सकते हैं, ठीक है। सो ये करने से बेहतर क्या है, बड़ी समस्या हो गई यहाँ पे, लिख दिया हम लोग और मिटेगा नहीं।
ये है ओ, और हम लोग लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर, ओपी डैश स्क्वायर, डीपी डैश स्क्वायर। क्या ये हर एक केस में 90 डिग्री बनेगा या कुछ पर्टिकुलर केस में बनेगा? मतलब पीपी डैश का लोकेशन हम आगे भी ले जाए, मान लीजिए कि इसको इस पोजीशन पे बनाए तो क्या उस केस में भी 90 डिग्री बनेगा? ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो इस वजह से इस केस में हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा और उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ओपी डैश स्क्वायर लिखिए आप, ए स्क्वायर टी की पावर 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और ओपी स्क्वायर भी सेम है तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर टी की पावर 4 और प्लस 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू पीपी डैश कितना है? देखो तो ध्यान से, देखो पीपी डैश कितना है, टोटल हो गया 480 और उसका स्क्वायर 16 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। अब देखिए ये बन गया आपका ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सबका कैंसिल कर दो और ये बन गया 2t का पावर 4 और ये 4 और 4 8 और माइनस 8 और बाकी टर्म आपका क्या हो गया? और भी कुछ है या इतना ही है? यस सर। सर हाँ बोलो। इस क्वेश्चन को हम स्लोप से कर सकते हैं क्या? 90 डिग्री तो n 120 बिल्कुल यस, बहुत अच्छा। स्लोप से भी कर सकते हैं, हमने एक तरीका यहाँ पे अप्लाई किया है ना, मैंने बोला ना कि बहुत तरीके से किया जा सकता है, ठीक है? हमने यहाँ पे एक तरीका किया है जिसमें t इक्वल टू जीरो आया है, बहुत तरीका मतलब दो तीन है। हाँ m1 m2 से भी कर सकते हैं, इसका m1 ले लिए, इसका m2 ले लिए और प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। वेरी गुड, वहां से भी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, टी का वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगा, है ना? सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो गया? टी का वैल्यू रखो 2, हो गया ये 4a, ये भी हो गया 4a, और पी डैश क्या हो गया? यस सर, सर। सो लेंथ कितनी हो गई डबल ऑर्डिनेट के? 8 8 8 8। सर हाँ बोलो। सर हमने वो इक्वेशन से ए स्क्वायर डिवाइड कर दिया तो फिर टी स्क्वायर भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे हम रिजेक्ट करेंगे टी को। क्यों रिजेक्ट करेंगे? टी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? ओरिजिन मिलेगा ना? यस सर। तो ओरिजिन तो डबल ऑर्डिनेट बनाएगा नहीं, इसका मतलब ये रिजेक्टेबल है, मतलब टी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अब देखो क्या होता है, आप यहाँ पे जैसे आपने कहा कि टी स्क्वायर से भी डिवाइड कर सकते थे, लेकिन टी क्या है? मेरा वेरिएबल है ना, वेरिएबल जब भी रहता है तो उस पे कंडीशन लगा करके डिवाइड करना होगा, या मतलब किसी भी नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो ए हम जानते हैं कि ए जो होता है कभी भी हमारा जीरो नहीं होता पैराबोला में,
है ना, इस वजह से डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते थे कि एज टी कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो सो वी कैन डिवाइड बाई टी स्क्वायर। सर हाँ बोलो। टी की पावर तो 4 है, फिर 4 रूट्स बनने चाहिए ना। हाँ, 0 डबल रूट है। देखो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, इसके करस्पॉन्डिंग रूट्स 0,0 आ रहे हैं और इनके करस्पॉन्डिंग प्लस माइनस 2 आ रहे हैं। 4 रूट्स हो गए। यहाँ पे 0 की मल्टीप्लिसिटी यस सर 2 है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, सब लोगों ने बताया है कि स्लोप भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम लोग स्लोप से भी कर सकते हैं। आप तो M1 M2 पर गए ना, मैं सिंगल M पर जाऊंगा। देखो जब हम M1 M2 यूज कर ही रहे हैं, है ना, तो M1 M2 वाला पहले कर लेते हैं। सो मेथड नंबर 2, स्लोप ऑफ MOP टाइम्स MOP डैश इक्वल टू -1, और इसका स्लोप हो जाएगा 280/80 स्क्वायर। नीचे वाले का स्लोप हो जाएगा -280/80 स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहां से आप ए से ए कैंसिल आउट कर सकते हो, टी से टी कैंसिल आउट कर सकते हो, एंड अगेन है ना यू विल रीच एट TS² इक्वल टू 4 बराबर M3। हम यहीं से बता देंगे कि ये 45 डिग्री बनेगा। क्यों, कैसे मैं बता सकता हूं? यस सर, सिमेट्रिसिटी लगा सकते हैं ना। यस सर। तो ये 45 है, इसका मतलब 280 बराबर कितना हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा। 280 इक्वल टू 80 स्क्वायर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग काम कर रहे हैं। सो ऐसे गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई, आइदर 0 और टी इक्वल टू 2। 0 नहीं ले सकते हैं, रिजेक्टेबल है, टी इक्वल टू 2 लेंगे, 4a/4a हो जाएगा, और टी जैसे ही मिल गया इसका भी कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, है ना। बहुत अच्छी बात। आइए अच्छा, आज तो समय हो गया है, आप लोग धीरे धीरे पैराबोला के ना थ्योरीज और न्यूमेरिकल्स जो मैंने करवाए थे उसको देखना शुरू कर दो, और साथ के साथ आप मॉड्यूल भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इस बार तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगा पैराबोला में। लास्ट टाइम आप लोग बहुत ज्यादा नर्वस हो गए थे ना कि कैसे क्या हो रहा है, काफी चीजें, क्योंकि आप लोग का कोऑर्डिनेट बहुत ढंग से मतलब रिविजन में नहीं था। अब रिविजन में है, अब तुमको कहीं पर ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगा। तो आज का होम असाइनमेंट क्या है, पैराबोला रिविजन करो, और अगले क्लास में पैराबोला को हम लोग समापन कर देंगे अगले क्लास, और उसके बाद जो है इलिप्स स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिवीजन करके लाओ कि पैराबोला में बहुत ज्यादा समय ना देना पड़े। मैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन में काफी समय आप लोग को दिया हूँ, है ना, नियरली हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लिए। पैराबोला में वैसा नहीं करना, आप लोग रिविजन अच्छे से कर लो, मैंने ही पढ़ाया था, है ना। और जहां जहां पे डाउट्स होता है ना उसको पर्टिकुलरली आप ना उसको लेकर के और डॉट को क्रिएट करके लाओ कि कहां पे आप फंस रहे हो, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा तो वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। ओके सर, है ना, ठीक है, ताकि हम लोग कोऑर्डिनेट को समय के साथ खत्म कर सके, नहीं तो फिर पता चला कि बोर्ड एग्जाम हो गया और कोऑर्डिनेट खत्म ही नहीं हुआ, है कि नहीं। एक ही क्लास वीक में है हमारे पास। चलिए, हैव अ नाइस डे। Okay, bye sir. Thank you, sir. Bye-bye. Sir, recording send कर दीजिएगा. क्या कुछ कोई बोल रहा था? Sir, recording send कर दीजिएगा. हाँ, recording send कर दीजिएगा.